क्या मामला? बेला के तरह ही आवाज किया है वायलर मशीन। गांव के लोग 6 महीना से उसको मना कर रहा था। क्या मना कर रहा था? कि बंद करो, गांव के क्षति बीतेगा। ये बात नहीं माना था। ये झाप तो मतलब धमकी उमकी देता था सबके कि बोल चाल करवे तो मार के खराब। घनश्याम शर्मा कहाँ का? बिशुनपुर की जाके बगले का है, घर उसी का है। बहुत तेज बहुत पड़ता है, दमंग पड़ता है, पैसा वाला है। कै गो मकान डैमेज है? तीन मकान। किसका किसका? अरुण राय का, दीपू राय का, टुनटुन राय का। टुनटुन राय का, तीनों का मकान डैमेज। तीन को मकान। बॉयलर कहाँ गया उड़ के बताइए तो? ये छत पर आया है वायलर मशीन से उड़ के। बताइए, ये वायलर मशीन के खोलिया है, छत पर उड़ के आ गया, पूरा घर डैमेज हो गया, चनक गया, चारों तरफ से मकान हिल गया। अभी नया मकान बना है, अभी अच्छी घरवास भी नहीं हुआ है। जमीन बेच के मकान बनाया है। मकान है ये? अरुण राय का है। जो पुढ़नी प्रखंड अंतर्गत मनियारी थाना है, उसी के एक गिद्धा गांव में प्लास्टिक का डब्बा बनाए जाने वाला एक छोटा सा प्लांट था। तो जो प्रथम जानकारी मिल रही है कि जो एयर कंप्रेसर वाला जो एक मशीन का पार्ट है, इक्विपमेंट है, उसी में वो ब्लास्ट किया है। कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, हम लोग इसका तहकीकात करा रहे हैं। थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि जो संचालक थे वो फरार हैं, फिर भी उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। और जो भी नॉर्म्स हैं किसी भी छोटे या बड़े औद्योगिक संस्थान के संचालन के लिए, तो उन नॉर्म्स की तरह कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी तत्काल हम लोग जाँच करा करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। इसमें आप सबका सहयोग प्रार्थित है। धन्यवाद। बहुत कस के आवाज हुआ था? बहुत कस के आवाज हुआ। चौक पर आवाज किया, माधोपुर चौक पर आवाज किया। है आगे तक प्लांट था, वहां से पूरा आवाज से पूरा घर से पूरा रास्ता कभी ना कर रही है। वहाँ से ब्लास्ट किया तो सब उस पर लगा पूरा। फैक्ट्री का लाइसेंस है, बिजली का मीटर लगाए हुआ है, कुछ ना है, टोका फंसा के सब काम करे छे। नीचे मशीन गिरा हुआ था ना, वहाँ से उठा कर वहाँ रख दिया गया है। अच्छा, वहाँ पे था मोटा मोटी 1.5 किलोमीटर आगे आवाज किया है।